नमस्कार, मैं वैशाली। ये देखिए, आज मैंने बनाया है व्रत के लिए समा के चावल के डोसे, और आप देख सकते हो कितने बढ़िया दिख रहे हैं। बाहर से बढ़िया ये क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। और मैंने इसमें उबला हुआ आलू भी डाला है, हरी मिर्च और अदरक भी डाला है। तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, दही के साथ भी टेस्टी लगता है ये, या फिर जो व्रत में खाई जाने वाली चटनी होती है कोकोनट और पीनट की चटनी, उसके साथ भी आप इसे खा सकते हो। और बहुत ही जल्दी से बन जाता है। समा के चावल से बनाया मैंने, जिसे समा के चावल बोलते हैं, वरई के चावल बोलते हैं, मोरधन भी बोला जाता है, महाराष्ट्र में इसे भगर भी बोलते हैं। और इसका डोसा जो है जल्दी से बन जाता है, खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इसे व्रत में जरूर बना के खा सकते हो। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैंने आज ये समा के चावल का डोसा बनाया है। आज मैं बना रही हूँ व्रत वाला डोसा। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए वरई वाले जो चावल होते हैं, इसे समा का चावल भी बोलते हैं, भगर भी बोलते हैं महाराष्ट्र में, इसे मोरधन भी बोला जाता है। तो मैंने इसे लगभग 3 से 4 घंटे भिगो के रखा था, अच्छी तरह से वॉश कर लिया था पहले, और उसके बाद में मैंने भिगो के रख दिया था। तो अब मैं इसे पीसूंगी। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर जार ले लिया है, तो अब मैं इसमें ये डाल दूंगी मोरधन, और ज़रूरत के अनुसार पानी डाल के हम इसे पीस लेंगे। और मैं डोसे को टेस्टी बनाने के लिए इसमें डाल रही हूँ अदरक और हरी मिर्च। तो मैंने आधा इंच का टुकड़ा अदरक का लिया हुआ है, इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। एक हरी मिर्च ली है मैंने। अब मैं नमक भी डाल दूंगी इसमें 1 टी स्पून, और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा पानी, और इसका अच्छा एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने समा के चावल को अच्छी तरह से पीस लिया है, बढ़िया पेस्ट तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। ये देखिए, इसे हमारा डोसा बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट बनेगा। और अभी आलू ये ठंडे हैं, बिल्कुल गर्म नहीं डालना है, और इसको भी साथ में पीस लेंगे, बढ़िया पेस्ट तैयार कर लेंगे दोनों का। तो ये देखिए, आलू डालने के बाद में अच्छी तरह से मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया हमारा यह डोसा बनाने के लिए पेस्ट तैयार हो गया है, और अच्छी तरह से मैंने पीस लिया है, आलू बिल्कुल नहीं बचा है इसमें। तो अब मैं इस पेस्ट को एक बाउल में निकाल दूंगी। ये देखिए, तो ये देखिए व्रत वाला डोसा बनाने के लिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर मैंने तवा रख दिया है, और धीमी आंच पे मैंने गैस ऑन कर दी है। तो अब 1 से 2 बूंद में ऑयल डाल रही हूँ, और यहाँ पर मैंने पीनट ऑयल लिया हुआ है। चाहे तो आप देसी घी भी ले सकते हो, जो आप ऑयल व्रत में यूज़ करते हो वो ले सकते हो। तो ऑयल मैंने अच्छी तरह से टिश्यू पेपर से पोंछ दिया है, बढ़िया ग्रीस कर दिया है तवे को। तो अब मैं डोसा बनाती हूँ। तो ये देखिए, डोसा बनाने के लिए मैंने तवा रख दिया है। तो अब मैं इसमें बैटर डालूंगी। तो लगभग 2 चम्मच मैं इसमें बैटर डाल रही हूँ, और जैसे हम नॉर्मल चावल का डोसा बनाते हैं बिल्कुल ठीक वैसे ही हमें फैलाना है, बीच में से हल्का सा प्रेस करते हुए, ये देखिए। और हमने इसमें कोई सोडा नहीं डाला है, फिर भी आप देख सकते हो इसमें जाली भी दिख रही है, क्योंकि मैंने इसे 3 से 4 घंटे भिगोया था। ये देखिए, हल्की हल्की सी जाली आप देख सकते हो कितनी बढ़िया दिख रही है। तो अब हम गैस की आंच लो से मीडियम हीट पे कर देंगे, और डोसे को अच्छी तरह से सिकने देंगे। और जो डोसा हल्का हल्का सा ड्राई होने लगा है, तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पीनट ऑयल डाल दूंगी। पीनट ऑयल से, या फिर आप कोकोनट ऑयल यूज़ करते हो तो वो भी डाल सकते हो, बढ़िया टेस्ट आता है। नहीं तो आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, अच्छी तरह से लगा देंगे और सिकने देंगे डोसे को। तो ये देखिए, हमारा व्रत वाला डोसा बढ़िया सिक चुका है ऊपर से, और इसके किनारे भी आप देख सकते हो अलग हो चुके हैं, ये देखिए। और आपको मैं पलट के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, बहुत ही बढ़िया बना है हमारा, अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है डोसे में। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में, और आप देख सकते हो कि सॉफ्ट भी कितना बना हुआ है। ये देखिए, और कलर कितना प्यारा आया है, आराम से मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, और ऊपर की जो लेयर है वो बढ़िया क्रिस्पी है, और अंदर से बढ़िया सॉफ्ट है डोसा, ऐसा नहीं कि बहुत कड़क हो जाता है। और इसमें आलू डाला है तो बढ़िया सॉफ्टनेस रहती है डोसे में। तो आप इसे चटनी के साथ भी खा सकते हो, कोकोनट और पीनट की, या दही के साथ भी आप इसे खा सकते हो, या नॉर्मल आलू की सब्जी के साथ भी आप इसे खा सकते हो। तो इसी तरह से मैं व्रत वाले डोसे तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं इसे सर्व करूंगी। तो गर्मा गर्म डोसे तैयार है खाने के लिए। चाहे तो आप इसे दही के साथ खा सकते हो, या कोकोनट पीनट की चटनी के साथ आप इसे खा सकते हो।